जब खाने के साथ अचारी मिर्ची परोसी जाए तो खाने का स्वाद दो गुना बढ़ जाता है। अचार के मसाले से बनी अचारी मिर्ची सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज हम मिलकर बनाएंगे चटपटी अचारी मिर्ची। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम बनाते हैं चटपटी अचारी मिर्ची। मिर्ची का मसाला बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच मेथी दाना, एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक बड़ा चम्मच राई, 1/4 चम्मच से थोड़ी सी कम टाटरी ली है। सभी मसालों को मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। मिक्सर में मसाला हल्का सा हमें क्रश करना है। ये ध्यान रखें कि हमें बारीक पाउडर नहीं करना है। देखिए इतना मोटा पीसना है। एक प्लेट में पिसा हुआ मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, हींग, नमक, सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। सभी हरी मिर्च को बीच में से कट कर देंगे। मैंने 100 ग्राम मिर्ची ली है, लगभग 20 से 25 मिर्ची है ये। सभी मिर्ची को इस तरह से कट कर देंगे। मिर्ची बहुत ज़्यादा पतली नहीं लेनी है। हमने जो मसाला बनाया था वो सभी मिर्ची में भर देंगे। देखिए सभी मिर्चियों में मैंने मसाला भर दिया है। कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, मिर्चियां डाल देंगे। गैस स्लो करके मिर्ची हम पका लेंगे। मिर्ची हमें ढकना नहीं है। देखिए मिर्ची आसानी से टूट रही है। इसमें मिर्ची का बचा हुआ मसाला डाल देंगे। एक चम्मच केरी के अचार का मसाला डालेंगे। मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। एक बाउल में हम इसे निकाल लेंगे।